G20 के बाद से ही जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत पर सवाल उठा रहे हैं। भारत ने ही कुछ खालिस्तानी समर्थक हत्या कराई है। जिस तरह से कनाडा हस्तक्षेप कर रहा है, ये भारत का आंतरिक मामला है। G20 हुआ है, G20 के बाद आपने देखा होगा कनाडा की कोई ज्यादा चर्चा हुई नहीं थी हिंदुस्तान में, और जस्टिन ट्रूडो का ये टाइम पे खालिस्तानियों को लेकर बात करना कोई सही प्लेटफॉर्म भी नहीं था। भारत ने जब जब खालिस्तान के लेकर आवाज उठी है, भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो किसी भी मंच पर उठी हो। देखिए, अंदरूनी मामला तब होता अगर यहाँ के नागरिक को, जो यहाँ से भगोड़ा है, आतंकवादी है, और उसको आप शरण दे रहे हो, उसको अपने देश की नागरिकता दे रहे हो, तो वो आपका अंदरूनी मामला नहीं हुआ। आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल उनके साथ आतंकवाद को बढ़ावा देना ही हुआ। ये न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ हरीश असवाल। और आज हम बात करने वाले हैं आज के सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले टॉपिक पे। जी हाँ, जो सिर्फ भारत ही नहीं वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रहा है, कनाडा और इंडिया। जी हाँ, क्योंकि दोनों के बीच अभी रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे हैं। G20 के बाद से ही जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि भारत ने ही कुछ खालिस्तानी समर्थक हत्या कराई है। हालांकि भारत इसे आतंकवादी घोषित कर चुका था, जिसका नाम निज्जर है। गुरुद्वारे पर इसकी हत्या हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है दो टूक कि इस हत्या में भारत का हाथ नहीं है। हालांकि भारत ये हमेशा से ही कहता रहा है कि भारत खालिस्तानी समर्थक नहीं है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस पर G20 के बाद जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी करने वाले थे, बातचीत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से जब इस पूरे मामले पर बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से कनाडा हस्तक्षेप कर रहा है, ये भारत का आंतरिक मामला है। इस पर कनाडा ने भी कहा था कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, भारत इसमें हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि भारत ने कहा था कि हिंदुत्व, हिंदू मंदिरों और जो वहां के नागरिक है उन पर लगातार हमला हो रहा है, जो कि खालिस्तानी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या को लेकर लगातार भारत पर आरोप कनाडा लगा रहा है, इसकी हत्या गुरुद्वारे के सामने हुई थी, और जिसके बाद 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी करने का आदेश दिया था। NIA ने 10 लाख का इसके ऊपर वारंट भी जारी किया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि G20 शिखर सम्मेलन जब चल रहा है, जब भारत गौरवपूर्ण क्षण से गुजर रहा है और भारत की चारों तरफ तारीफ हो रही है, तो जस्टिन ट्रूडो को आखिर खालिस्तान के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि G20 सम्मेलन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पे था, खालिस्तान पर बात करने के लिए ये मंच क्या सही था? हरीश जी मेरे साथ मौजूद है। हरीश जी, जिस तरह से कनाडाई जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो इस बात को लेकर लगातार भारत पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि G20 के बाद से देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो बखराए हुए हैं। काजोल, ऐसा है कि ऐसे तो आपने सारा कुछ आपने बता दिया, और इसमें बताऊं कि जब से G20 हुआ है, G20 के बाद आपने देखा होगा कनाडा की कोई ज्यादा चर्चा हुई नहीं थी हिंदुस्तान में, और जस्टिन ट्रूडो का ये टाइम पे खालिस्तानियों को लेके बात करना कोई सही प्लेटफॉर्म भी नहीं था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि ना मुझ पर इस पर बात करनी है, और इसी तरह से अजीत डोभाल जी ने भी कहा था कि हमारे को अपने आंतरिक मामलों में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए। और ये पोजीशन हमारी इसलिए कि आज हम स्ट्रांग पोजीशन पर बैठे हैं, पूरा भारत हमारा बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर बैठा है। और जहां तक खालिस्तानियों की बात है, इसका ऑलरेडी वारंट हमारे यहाँ से जारी था, इसको आतंकवादी घोषित किया गया था, ठीक है? तो ऐसे आतंकवादियों को अगर समर्थन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इससे चल रही थी, इसके कारण उन्होंने ये बयान दे दिया। और बौखलाहट भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तान में जो बाकियों को तजुब्बो मिली वो कनाडा को नहीं मिली, तो उनकी बौखलाहट जो है वो वहां दिखाई दी। लेकिन भारत ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो यहाँ पर राजनयिक है कनेडियन, वो वापस जा सकते हैं। उन्हें 5 दिन का समय मिला हुआ है कि अगर आप खालिस्तान का समर्थक करेंगे तो भारत वो मित्रता नहीं रखेगा आपसे, जो मित्रता हमेशा से कनाडा से रही है भारत की। देखिए, अगर आप खालिस्तानियों को पालोगे तो उनसे मित्रता तो वैसी नहीं बनती। आप उनका समर्थन कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपके राजदूत यहाँ बैठे, तो हम क्या उनको इन्फॉर्मर बना के बैठेंगे? नहीं बिठाएंगे ना उनको। उनको बोल दिया गया सीधा, जाइए आप पहले अपने 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 कनाडा में जाके स्थिति ठीक कीजिए, फिर वापस आइएगा। और ये हालात तब है जब कनाडा की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं
जो भारत से स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए उनसे चलती है। अगर ये आंकड़ा मैं बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे हरी जी, 4.6 अरब डॉलर 2021 का ये आंकड़ा बता रही हूँ कि इतना आर्थिक लाभ जो है वो कनाडा को हुआ था। ऐसे में खुले मंच से भी या खुले तौर पर हो सकता है कि रिश्ते अभी खराब हो रहे हो, लेकिन पूरी तरह से बॉयकॉट कनाडा शायद भारत का कभी नहीं कर सकता है। हालांकि भारत इस पर मुंह तोड़ जवाब जरूर दे रहा है। देखिए बॉयकॉट का तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, क्योंकि वो इस स्थिति में है ही नहीं, उसका आधी अर्थव्यवस्था हमसे चल रही है और उसके ऊपर जो प्रेशर बाकियों का पड़ने वाला है वो अभी समझ नहीं पा रहा है कनाडा। उसने बौखलाहट में जवानी के जोश में प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया है और उनको कहीं ना कहीं लगा कि G20 में उनको इतनी महत्व नहीं मिली, इसके कारण उनके अंदर से ये बौखलाहट में ये सब चीजें निकली हैं। पर जहां अब फाइनेंशियल उसमें जो क्रंच में आने वाला है कनाडा, उसको समझने के लिए उसको थोड़ा दिन लगेंगे और समझ में आ जाएगा। देश अपने अपने अंदरूनी मामला इसे बता रहे हैं, क्योंकि भारत ने जब जब खालिस्तान के लेकर आवाज उठी है भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो किसी भी मंच पर उठी हो। देखिए अंदरूनी मामला तब होता अगर यहाँ के नागरिक को जो यहाँ से भगोड़ा है, आतंकवादी है, और उसको आप शरण दे रहे हो, उसको अपने देश की आपके देश की नागरिकता दे रहे हो, तो आपका अंदरूनी मामला नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल उनके साथ आतंकवाद को बढ़ावा देना ही हुआ। ये फाइनेंशियल बॉन्डिंग होगी आपकी, तभी आप इसको अपना आदमी बता रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप क्या आपके यहाँ पैदा हुआ हो? नहीं हुआ। आपने उसको नागरिकता दे दी, आपने कह दिया मेरा आदमी है, जाके हिंदुस्तान में कुछ भी कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे कनेक्शन आए थे, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, गुलडी बराड़ हो, बहुत सारे नाम हमने देखे हैं जो खालिस्तान से जुड़े हुए हैं और कनाडा कहीं ना कहीं इसमें नाम आ ही जाता है। देखिए ये तो बात हो गई कनाडा और भारत की, लेकिन भारत में ही आवाज़ उठ रही है कि भारत को रिश्ते सुधारने चाहिए, कनाडा को भी उधर से रिश्ते सुधारने चाहिए। क्यों पंजाब में ऐसी आवाज़ क्यों उठ रही है, सवाल ये है। पंजाब में देखो ऐसा है ना कि पंजाब की आधे से ज़्यादा जनता जो वो है वो कनाडा में बसती है, कईयों के परिवार वहाँ पर है, मिनी पंजाब कहा जाता है कनाडा को, इसलिए पंजाब में ज़्यादा ये बात होती है। बट ओवरऑल ये पंजाबियों की बात नहीं है, खालिस्तानियों की बात है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के उसमें है उनकी बात है। पंजाब में ऐसा नहीं है कि पंजाब में सब लोग चाहते हैं अलग हो जाएं, ये कुछ हैं जिनको हम लोगों ने अब ऑलरेडी इनके वारंट इशू हैं, सब कुछ है, इनको आतंकवादी घोषित किया गया है, 1984 के दंगे आपने देखे हैं, है ना, तो ये सब चीजें वहाँ की हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी या बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो आवाज़ उठ रही है भारत से, जो परिवार के लोग हैं जिनके बच्चे गए हुए हैं पढ़ने के लिए, अगर स्थिति आगे चल के सामान्य नहीं होती, रिश्ते खराब होते हैं, तो कितना असर पड़ सकता है उन बच्चों के भविष्य पर? देखिए बच्चों के भविष्य पर असर जरूर पड़ेगा। कनाडा अगर अपना हाथ खींचता है कि मैं एजुकेशन को लेकर, या भारत अपना हाथ खींचता है कि भैया हम अपने बच्चे वापस बुला रहे हैं, तो देखो असर तो पड़ेगा इसका, बच्चों के भविष्य पर असर जरूर पड़ेगा। पर यह भी समझना होगा कि आज पढ़ाई करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, अपने देश में पढ़िए, ठीक है। पर अभी स्थिति वो नहीं कि इस बारे में बात करें कि अपने देश में पढ़िए या बाहर पढ़िए, वो कोई स्थिति नहीं है। लोग जाते हैं अपना अपने आप को माइग्रेट करते हैं, ठीक है, वो उनके अपने पर्सनल निजी वो हो सकते हैं, इसमें कोई लॉ भी नहीं है कि आप माइग्रेट नहीं हो सकते हो, आप जाना चाहो जा सकते हैं, पर फिर भी असर पड़ेगा इस पे काफी। अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के बीच एक आपातकाल बैठक अभी से कह सकते हैं बैठक बुलाई गई है। बैठक में क्या कुछ होता है इसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अपडेट यही है हरीश जी कि भारत ने कनाडाई नागरिक के जो वीजा हैं उन पर पूरी तरह से फिलहाल रोक लगा दी है, अगले आदेश तक रोक लगी रहेगी। ये कितना लंबा समय हो सकता है ये हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, फर्स्ट स्टेप है ये, अभी फर्स्ट स्टेप पे यही कर सकते हैं, उनकी किसी तरह से फंडिंग रोकी जाए, उनके लोगों को रोका जाए, उनके वीजा रोके जाए, हमारे आने जावन को रोका जाए, यही तरीके होते हैं किसी वार्तालाप को खोलने के, तो उस चीज पे अभी चर्चा चल रही है, होगा इस पे बिल्कुल, और बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन भारत अपना रुख किस तरफ रखता है इसका इंतजार हमें रहेगा, क्योंकि चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है, बैठक में क्या कुछ नतीजे रहेंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।